29 जून गुरुवार को बकरीद की सरकारी छुट्टी के दिन भी शहर के बीएसपी स्कूलों ने सरकारी आदेश को ठेंगा दिखाया है। आदेश के बावजूद बीएसपी प्रबंधन ने अपने स्कूलों को खोले रखा, जबकि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी ने गुरुवार को बकरीद की छुट्टी पर स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके बीएसपी के दर्जन भर स्कूल खुले रहे, बच्चे रोजाना की भांति विद्यालय पहुंचकर पढ़ाई में मशगूल रहे। इस संबंध में बीएसपी प्रबंधन ने कुछ भी कहने से पल्ला झाड़ लिया तो वहीं सेक्टर 6 जामा मस्जिद कमेटी के सदर ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। बता दें कि मुस्लिम समाज के महत्वपूर्ण त्योहारों में ईद उल अजहा का बहुत महत्व है। मुस्लिम कौम खुद इस त्योहार की अहमियत बखूबी जानता भी है, पर मुस्लिम कौम के प्रमुखों का गैर जिम्मेदाराना रवैया भिलाई में साफ नजर आया। वहीं बीएसपी प्रबंधन की हठधर्मिता भी उजागर हुई है। बता दें कि 29 जून को पूरा देश का मुस्लिम समाज बकरीद मतलब ईद उल अजहा का पर्व मना रहा था, वहीं बीएसपी की स्कूलों में अवकाश नहीं था, जबकि शासकीय अवकाश के चलते शासकीय व अशासकीय शालाओं की छुट्टियां थी, पर बीएसपी की शालाओं में छुट्टी नहीं थी। इसके चलते ऐसे पालक जिनके बच्चे पर्वों को मनाना छोड़ शाला गए हुए थे, उन्हें काफ़ी नाराजगी रही। हमने पालकों की पीड़ा देख बीएसपी प्रबंधन से जानना चाहा कि शासकीय अवकाश होने के बावजूद बीएसपी की शालाओं में अवकाश क्यों नहीं, तो बीएसपी प्रबंधन ने गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ लिया। वह जिला शिक्षा अधिकारी से जब हमने जानना चाहा तो उन्होंने कोई संज्ञान नहीं होने की बात कहकर बीएसपी प्रबंधन से पत्र के माध्यम से जानने की बात कही, तो वहीं सेक्टर 6 जामा मस्जिद के सदर ने भी कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं दिया। सबसे पहले तो कहूँगा कि ये हमारी भिलाई बिरादरी के लिए बहुत दुखद है। यानी जहाँ तक मुझे याद है, मुझे इस शहर में रहते हुए 64 साल हो गए हैं, पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि किसी भी खास त्यौहार के रोज़ में, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, किसी भी मज़हब वाले में छुट्टी न मिली हो। ऐसा शायद पहली बार हो रहा है। अब ये कैसी चूक है, क्या भूल है, इसके बारे में हम ज़रूर क्या बोलते हैं बीएसपी प्रशासन से सवाल करेंगे और हम जो है मिलके मौखिक और लिखित इसकी अपनी अपना विरोध दर्ज कराएंगे, और अगर उचित आंदा न होने के का हमें क्या आश्वासन नहीं मिलेगा तो हम आगे प्रशासन तक अपनी बात ले जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि ये एक मिनी इंडिया है और यहाँ पर जैसा हंसी खुशी खुशहाली का माहौल, हर त्यौहार में हर धर्म के लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक साथ मिलके इसको मनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसा आइंदा से न हो। और दूसरी बात, मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ, मैं शिक्षक रहा हूँ, इसलिए जो है मैं एक समझ सकता हूँ कि एक बच्चे की एक दिन की पढ़ाई का क्या महत्व है। जो बच्चे अपने त्यौहार में मनाने के चक्कर में बेवजह स्कूल नहीं जा पाए, उनकी आखिर क्या होते हैं कितनी बड़ी हानि हुई है, ये आप महसूस कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जो हुआ वो हुआ, पर यह आश्वासन मिलना चाहिए कि आइंदा से ऐसा कभी ना हो। हम ज़रूर इसके लिए जो उचित जगह है, जो उचित व्यक्ति है, जो उचित पद है, वहाँ जाके अपनी बात यहाँ पे मौखिक और लिखित रूप में जरूर करें। बहरहाल इस वाकये ने बीएसपी प्रबंधन की हठधर्मिता व मुस्लिम समाज की खामोशी से जहां बच्चे ईद उल अजहा का त्यौहार हंसी खुशी से मनाने से वंचित रह गए, तो वहीं उनके परिवार की खुशियां भी कोई ज़्यादा नहीं रही। पालकों ने उम्मीद जताई है कि आगामी समय में बीएसपी प्रबंधन इस ओर विचार करे और पर्व को खुशियों से मनाने अवकाश दे। बहरहाल समाज के प्रमुखों को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।